परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा, तू चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा, यीशु बनेगा तेरा सहारा आजमा ले तू उसको जरा, आजमा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए, अगर यीशु माझी अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा, रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा, यीशु ही है जो पार लगाए पहुंचाएगा वो किनारा, पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी। सचमुच परमेश्वर भला है भाई और बहनों, उसकी करुणा सदा के लिए है और वो हमें हमेशा बनाए रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें ये समय दिया कि हम एक बार फिर एक दूसरे के रूबरू हो सकते हैं। भाई और बहनों, एक किसी ने कहा है,
जो कि पेड़ों को पौधों को बेहद प्यार करता था, कि परमेश्वर ने ये एक ऐसी चीज़ बनाई है, ऐसी अद्भुत चीज़ की बनाया है जो अपने सिर के बल खड़ा रहता है। यदि आप विचार करें तो हम सीधे खड़े हैं, हम मुंह से खाना खाते हैं और पैरों पर खड़े रहते हैं, लेकिन लेकिन यदि आप देखेंगे तो भोजन प्राप्ति के लिए पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, जहां से वो अपने लिए ताकत लेता है और मजबूती से खड़ा रहता है। जड़ों को उसने बहुत अहमियत दी है और लिखा है कि पेड़ एक ऐसी चीज है, अद्भुत अनोखी वस्तु है जो सिर के बल खड़ी है। संत पौलुस यहां पर कुलसियों के खत में 2 अध्याय उसके 6-7 आयत में लिखता है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। जैसे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार आपने प्रभु यीशु को प्रभु करके कबूल किया, क्यों क्यों कबूल किया है? सोचिए इस पर। प्रभु यीशु मसीह को हमने प्रभु इसलिए कबूल किया क्योंकि हम जानते हैं कि वो परमेश्वर है। प्रभु हमने इसलिए कबूल किया क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें कभी त्यागता नहीं, इसलिए हमने उन्हें स्वीकार किया क्योंकि हम जानते हैं कि वही हमारा सहायक है, हम जानते हैं कि वही हमारा रचनहार है। परमेश्वर प्रभु ने ही हमें रचा है, हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। तो आज सवाल ये आता है कि हम कितने मजबूत हैं अपने प्रभु में। ये सवाल बार बार आपके सामने आएगा, रोज आएगा, जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जब भी परमेश्वर का वचन आप खोलेंगे, जब भी परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, तो ये सवाल आपके सामने आएगा कि आज मेरी हालत क्या है। क्यों क्यों आता है? उसका एक ही सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि आज मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ऐसा व्यस्तता का जीवन व्यतीत कर रहा हूं, इतना बिजी शेड्यूल है मेरा कि यदि परमेश्वर एक दिन में 36 घंटे बनाता तो भी कम थे। हम अपने दिए गए समय में से प्रभु के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे, तो प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसे जुड़ेगा? जब हमारे पास प्रभु के लिए समय ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा संबंध प्रभु के साथ है? आज तो जिस समाज में, जिस दौर में, जिस घर में हम रह रहे हैं, यदि हम एक दूसरे को समय ना दें तो हमारे संबंधों में खटास आने लगती है। हर रिश्ता, हर संबंध आज समय मांग रहा है। बच्चे अपने मां बाप से समय मांग रहे हैं, पति अपने पति से और पति अपनी पत्नी से समय मांगता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को समय ना दे पाए तो उनके रिश्तों में भी दूरियां आ जाती हैं। यदि मां बाप अपने बच्चों को समय ना दें तो मां बाप और बच्चों के बीच में दूरी पैदा होती चली जाती है। आज एक शब्द आम इस्तेमाल किया जाता है भाइयों और बहनों, वो है जनरेशन गैप। क्या है? क्या हम किसी और दौर में रह रहे हैं और बच्चे किसी और समय में रह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। फर्क क्या है? अंतर यही है कि आज
जो गैप है, जो दूरी है, वो इस बात की है कि माँ बाप का बच्चों के साथ कोई तालमेल नहीं है। आज बच्चे माँ बाप से दुखी हैं और माँ बाप बच्चों से दुखी हैं। कोई भी किसी के साथ संतुष्ट नहीं है। जब भी माँ बाप बोलेंगे तो वो एक ही बात बच्चों को बोलेंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। परमेश्वर को हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर ने कभी हमें बोला कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं? जबकि परमेश्वर तो हमेशा यही कहता कि मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूं, तुम लेने के लिए तैयार हो जाओ। यहां पर भी सुस्ती हमारे अंदर ही है। हम इतने सुस्त हैं कि हम लेने के लिए, प्रभु से प्राप्त करने के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। जबकि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ और लो। जिन चीजों के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं वो हमारे को अपने आप परमेश्वर देने के लिए तैयार है, यदि यदि हम लेने के लिए तैयार हैं। आज मां बाप किसे देता है? उस बच्चे को देने के लिए तैयार रहता है जो बच्चा संभाल सकता है और लेने योग्य है। आज मां बाप होते हुए आप इस बात पर विचार कीजिए कि यदि हमारे बच्चों का हमारे साथ संबंध मजबूत है, यदि हमारे बच्चे इस लायक हैं कि कुछ करें, तो हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। यदि हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में कमी है, तो पहले हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, और यही शर्त होती है कि हम आपको तब देंगे जब तुम इस योग्य हो जाओगे। तो फिर हम अयोग्य होते हुए परमेश्वर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रभु हमारे को दे? हमारे जीवन का मैयाद क्या है? हमारे जीवन का स्टैंडर्ड क्या है? हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? जीने का मकसद क्या है? हम आज संतुष्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारी अभिलाषाएं इतनी ज्यादा हैं, हमारी कामनाएं इतनी ज्यादा हैं, हमारी लालसाएं इतनी ज्यादा हैं कि हम उनमें जकड़े में कैद हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। भाई और बहनों, जब मैं कामनाओं की बात कर रहा हूं, लालसाओं की बात कर रहा हूं, इच्छाओं की बात कर रहा हूं, तो आप अपने चारों तरफ ध्यान कीजिए। आपको आपके घर में बहुत सी ऐसी महंगी महंगी चीजें मिलेंगी जिनका इस्तेमाल आपने कई दिनों से, कई सप्ताहों से, कई महीनों से, और हो सकता है कि कई वर्षों से ना किया हो। सिर्फ प्राप्त करने के लिए हम उसके लिए मेहनत कर रहे थे, सिर्फ उसकी प्राप्ति के लिए हमने इतना यत्न किया और हमने उसे प्राप्त भी किया। लेकिन प्रभु जो हमारे को संतुष्टि देना चाहता है, मन की शांति देना चाहता है, क्या हमने उसे स्वीकार किया? जबकि संत पौलुस कहता है कि विश्वास में मजबूत हो जाओ, जैसे प्रभु को तुम लोगों ने स्वीकार किया है वैसे ही उसमें जड़ पकड़ते जाओ, यहां लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा कि किसी चीज की कमी होनी चाहिए, जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। कुल मिलाकर यह शर्त हमारे सामने आ रही है कि यदि हम इस दुनिया में रहते हुए संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, जिस चीज के लिए आज सारी दुनिया दीवानी है, पागलों की तरह दौड़ रही है, दौलत, यदि हम उसकी प्राप्ति चाहते हैं, तो हमारे को प्रभु में बढ़ना होगा, परमेश्वर में बढ़ते रहना होगा। हमारा जीवन जो है वो एकदम मजबूत होना चाहिए। जब बात करते हैं कि प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ,
तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे को मजबूत करती हैं? विचार कीजिए और उसी पे आज विचार करते हैं। यदि हम पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों को खत देखें, पहला खत, तो यहां लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना के बहुत से हिस्से होते हैं, उसमें बहुत कुछ शामिल होता है। क्या है? सबसे पहले तो समझना ये चाहिए प्रार्थना चीज क्या है। और पौलुस रसूल क्यों कह रहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो? प्रार्थना एक वो माध्यम है भाइयों और बहनों, जिसके द्वारा हम अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ते हैं, जिसके द्वारा हम अपना संबंध अपने परमेश्वर से जोड़कर उससे बातचीत करते हैं। प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से सीधी बात कर सकते हैं। हमारे को किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की, परमेश्वर के गुणों की तारीफ कर सकते हैं। क्या है? प्रभु तू महान है, तू दया करने वाला है, तू कृपालु है। हाँ, मैं जानता हूं कि तूने मेरे पे अनुग्रह किया है, क्योंकि तू अनुग्रहकारी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा जो उसने हमारे लिए किया। याद कीजिए कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, यदि वो आके एक छोटा सा शब्द आपको कह दे थैंक यू, तो आपको कैसा महसूस होता है? और यदि आप किसी के लिए काश कुछ करते हैं और आपका वो धन्यवाद भी ना करे, तो आप दो तीन बार तो उसके काम आ सकते हैं, लेकिन अंत में आप यही कहेंगे कि ये बिल्कुल एहसान फरामोश इंसान है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा अपना संबंध उसके साथ बनाए रखें। और पौलुस रसूल कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस रसूल चाहता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहे। भाइयों और बहनों, ये तभी हो सकता है यदि हम यहां से अंदर से खुश हैं, यदि हम दिल दिमाग से ये सोच के कहें कि सचमुच प्रभु महान है। हम प्रभु से हिम्मत मांग सकते हैं, ताकत मांग सकते हैं आगे कामयाब होने के लिए। प्रभु हमें चाहता है कि हम उससे आशीषें प्राप्त करें। यदि आप विचार करेंगे तो प्रार्थना आपकी आत्मा का श्वास है। जैसे बिना श्वास के हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही बिना प्रार्थना के हमारा जो जीवन है, रूहानी जीवन है, वो मरता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतात का जीवन व्यतीत करें। प्रभु चाहता है कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें जिसमें शांति ही शांति हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़कर रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम खुशहाल रहें। इसीलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि प्रार्थना जीवन का श्वास है। आप श्वास लेने से ना अंदर से मजबूत होने के लिए अक्सर कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठें, लंबी लंबी सांस लें बाहर जाकर, क्योंकि यही सुझाव दिया जाता है कि सुबह के समय बाहर वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होता है। और स्वच्छ वातावरण में जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े जो खुलते हैं, सांस अंदर जाती है,
साफ हवा अंदर जाती है और हम पूरा दिन बिल्कुल तरोताजा रह सकते हैं, फ्रेश रह सकते हैं। यदि आप इस चीज को परखना चाहें तो परख के देखिए कि जब आप दिन की शुरुआत प्रार्थना से मेरे भाइयों और बहनों करेंगे तो पूरे दिन का काम करने के लिए आपको ताकत मिलेगी, आप बिल्कुल तैयार होंगे उस काम, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम का सामना करने के लिए। इसीलिए संत पौलुस कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि यह हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए यह जीवन रेखा है, श्वास है जो हमारा नाता हमारे प्रभु के साथ स्वर्ग में जोड़ देती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा नाता परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, भाइयों और बहनों जब भी आप चाहें परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के आगे दुहाई दे सकते हैं। दाऊद नबी परमेश्वर को कहता है कि आए प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं उन उपकारों के लिए जो तूने मेरे साथ किए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। जब हम एक चीज के लिए धन्यवाद करते हैं तो प्रभु हमारे लिए दूसरा कार्य कर देता है। दाऊद नबी सुझाव देता है कि प्रभु का धन्यवाद यदि हम करना चाहते हैं तो उसकी विधियों को जाने, उसके वचन को जाने, उस पर चलें, ऐसा जीवन व्यतीत करें जो प्रभु चाहता है। तो प्रभु चाहता क्या है हमसे, सोचा आपने? प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़े रहें और प्रार्थना के द्वारा हमारे लिए वो द्वार खुल जाए प्रभु से बातचीत करने का, और हम प्रभु से संपर्क कर सकें, प्रभु से बातचीत कर सकें। सचमुच भाई और बहनों प्रभु अनुग्रहकारी है। वचन में लिखा है मत्ती रसूल की अंजील 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में यहां लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह उस समय के वाक्य हैं जब प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि सलीब दिए जाएं, इससे पहले कि वो हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लें, इससे पहले कि वो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दें, वो परमेश्वर से बात कर रहे थे और परमेश्वर से शक्ति प्राप्त कर रहे थे सब कुछ सहन करने के लिए। और जब वो परमेश्वर से बात कर चुके, शक्ति प्राप्त कर चुके, अपने आप को मजबूत कर चुके, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो चुके, तो शैतान भी आ जाता है, वो भी अपना कार्य शुरू करता है। और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, आज यही चुनौती हमारे सामने आती है कि यदि तू सचमुच भक्त है, प्रभु का भक्त है, प्रभु को मानता है, तेरा परमेश्वर सच्चा है तो ये कर। कहते यदि तू सचमुच प्रभु का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल के रोटी बन जाए और तू खा, भूख मिटा। तब प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता बल्कि परमेश्वर के मुख से हर निकले हुए वचन से जीवित रहता। आज परमेश्वर के मुख से क्या निकला है ये जानने के लिए हमारे को परमेश्वर के वचन को ही पढ़ना होगा और उससे ही जानना होगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। यदि प्रार्थना हमारे जीवन का श्वास है तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए भोजन है। हम भोजन के बिना भी जीवित नहीं रह सकते।
हम श्वास के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। यदि हम श्वास लेते रहें और भोजन खाते रहें, एक जगह बैठे रहें, तो क्या हमारा शरीर मजबूत होगा, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होगा? नहीं। इसी प्रकार हमारा रूहानी जीवन बेमायने है यदि हम जो प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, यदि उसको किसी और के साथ ना बांटें। तो बाइबल में से भाई और बहनों वो वाक्य याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो लोग उनके इंतजार करते थे, और ऐसे ही जब एक बार प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो व्यक्ति परेशान नहीं होता भाई और बहनों, जो दुष्ट आत्माएं उसमें थी वो परेशान होती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु यीशु नासरी, तेरे से हमारे को क्या वास्ता। जब प्रभु उसे मुक्त करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और उसके बाद प्रभु वहां से जाने लगते हैं, तो वो कहता है कि आए प्रभु मेरे को, मैं वो शब्द आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो मरकुस 5 अध्याय और उसकी 18-19 आयत में लिखे, मुझे अपने साथ रहने दे, कि मेरे को अपने साथ रहने दे। तब प्रभु कहता है कि तू अपने लोगों में जा और बता कि प्रभु ने तेरे पे कैसे कैसे उपकार किए। याद रखिए भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर में जड़ पकड़ना चाहते हैं तो प्रार्थना हमारा स्वलिए श्वास है, तो परमेश्वर का वचन हमारा भोजन है, और वचन दूसरों के साथ बांटना वो एक कसरत है। परमेश्वर करे कि ये तीनों काम हम अपने दिल दिमाग में बैठाएं और परमेश्वर में जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर की नजदीकी में रहें। आइए प्रार्थना करें। पिताजी, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम तंदुरुस्ती, सेहत और कामयाबी प्राप्त करें। पिताजी, आप चाहते हैं कि हम हमेशा हर काम में कामयाब हों, और ये तभी हो सकता है कि जब हम आपसे जुड़े रहें और आपके किए उपकारों का दूसरों के साथ बांट सकें। हिम्मत देना कि हम आप में बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।